वन दिस इज बिश्रा खान वेलकम टू समा पॉडकास्ट आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया हॉट सेंसेशन टॉपिक की टॉप क्रिकेटर लेजेंडरी क्रिकेटर शुैब मलिक की ड्रामा और फिल्म आर्टिस्ट सना जावेद के साथ शादी की जी हाँ वैसे जैसे देखा जाए ना तो शुैब मलिक की शादी 2010 में सानिया मिर्जा के साथ हुई थी हु इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंड इज़ एन इंडियन टेनिस चैम्पियन लेकिन लास्ट ईयर रूमर्स आ रहे थे कुछ कि सानिया मिर्जा और शुैब मलिक के दरमियान कुछ सेप्रेशन्स चल रही हैं सेपरेशन चल रही है जिस बात की ना तो सानिया मिर्जा ने ना तो शुैब मलिक ने तस्दीक की ना तो तरदीद की और हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है सेपरेशन ख़त्म हो जाए और मामला पैशब की तरफ दोबारा चले जाए क्योंकि ज़्यादा अब उनकी एक फ़ैमिली है बच्चों के पेरेंट्स हैं और फिर जब बात करते हैं हम सना जावेद की तो उनकी शादी 2020 कोविड में उमर जयसवाल के साथ हुई अब ऑब्वियसली हमें तो नहीं आईडिया कि इफ दे वर हैप्पी मैरिड और नॉट या मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी क्या अप्स एंड डाउन्स थे उन्होंने भी कभी इस चीज़ को डिस्प्ले नहीं किया ना इजहार किया लेकिन अब रिसेंटली जस्ट रिसेंटली कैन यू गाइस इमेजन शुएब मलिक ने इंस्टाग्राम पे अपनी इंस्टा फीड पे अपनी शादी की पिक्चर डाली है सना जावेद के साथ प्रॉपर एक कैप्शन के साथ और uh, इस बात का इजहार किया कि यस नाउ ही इज़ अगेन मैरिड विच इज़ हिज सेकेंड मैरिज विद सना जावेद और उसकी दूसरी जानब सना जावेद ने भी देर नहीं की सना जावेद ने भी अपने इंस्टाग्राम पे अपना सर नेम चेंज करके सना शुएब मलिक कर दिया इतनी जल्दी ये ट्विस्ट आना एकदम से हालात बदल जाना हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और सामने हमें कोई और ख़बर मिली है अब सना जावेद और शुएब मलिक की लव स्टोरी कौन से गेम शो से स्टार्ट हुई के और भरे भरा ही कोई बरकत वाला गेम शो था या आई वुड रादर से कि बहुत ही कोई जिन्स गेम शो था जिसकी वजह से दो दो घर तबाह हो गए खलील साहब आप तो मुझे सुनी रहे होंगे आपने कहा था कि मर्द चीटिंग कर सकता है और मर्द को चीटिंग करना जायज़ भी है औरत को नहीं है लेकिन देख लें यहाँ पे मर्द ने तो की ही की है हमेशा की तरह लेकिन औरत ने भी की है दोनों बराबर हैं और इस वजह से ना तो इस वक्त एक औरत का घर तबाह हुआ है बल्कि दूसरी जानब एक मर्द का घर भी तबाह हुआ है दो दो घर तबाह हुए हैं तो इस बारे में जानेंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर नई हनीफ मौजूद हैं हैंकुम सर वालेकुम सलाम कैसे हैं सर आप सर आप सुन तो रहे थे कि मैंने तो खलील साहब को भी एड्रेस किया है यहाँ पर ऑब्वियसली ही पास्ट अ स्टेटमेंट कि मर्द ही चीटिंग कर सकता है लेकिन यहाँ पे यू सी दोनों रॉन्ग डूअर्स हैं खलील साहब का कसूर नहीं है उनसे तो बात करेंगे हाँ उनसे बात कर, कर, कर लेंगे जहाँ तक ये इस शादी का ताल्लुक है तो इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों वक्त करता है परवरिश बरसों लव मैरिज एक दम नहीं होती वाह 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 तो ये जो है वो कोई एक दिन का मामला नहीं है ये जो है वो 2009-10 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू होने वाला इश्क जो है और ऑस्ट्रेलिया से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान 2022 में दुबई में ख़त्म हो गई और उसका ड्रॉप सीन हो गया मैं जो है आ, सिर्फ इस हद तक इस खबर को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एक घर आ, उजड़ा दूसरा आबाद हुआ और फिर दूसरा उजड़ा और तीसरा आबाद हुआ मैं थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या ये आ, सानिया मिर्ज़ा 2009 में कैंड पे वम्बल्टन खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान टीम वहाँ पे टूर पे थी ऑस्ट्रेलिया में जब पहली मुलाकात सानिया मिर्ज़ा और शुब मलिक की हुई उसके बाद बहुत जल्दी आ, जो है वो मोहब्बत जो है वह अज्दवाजी रिश्ते में बदल गई और शुब मलिक ने अपने पेरेंट्स से बात की वालदा से बात की उनके बहनोई जो हैं वो इमरान ज़फ़र उस वक़्त भी सारी कोऑर्डिनेशन वो चीज़ों की कर रहे थे तो ना तो वो अरेंज मैरिज थी और उन्होंने कन्विंस किया अपनी फैमिली को और यहाँ से धूम धाम से बारात गई पाकिस्तान से इंडिया और तकरीबात हुई हैदराबाद में मुंबई में और उस वक्त जो है मैं आपको बताऊँ कि बाराती कौन थे उनके नाम भी आपसे डिस्कस करता हूँ डॉक्टर फिरदोस आशिक अवान जो आजकल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी वफाक में तो वो बारात लेके गई थी एक तो वो फेडरल मिनिस्टर थी बतौर मिनिस्टर भी गई और दूसरा उनका सियालकोट का एक ताल्लुक़ था शुएब मलिक और उनकी फैमिली से तो उस बारात में वो शामिल थे उनके अलावा गुलूकार वारिस बेग उस बारात में शामिल थे सलमान अहमद जो हैं जो राहत फ़तहली खान को मैनेज करते हैं पूरी दुनिया में और बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो उस बारात के साथ थे और सानिया मिर्ज़ा को फिर ब्याह के जब पाकिस्तान लाए तो लाहौर में उसका वलीमा हुआ यहाँ के एक फाइव स्टार होटल में और बड़ी धूम धाम से और बड़ा एक इस बात को एक इंडो पाक एक सॉफ्ट एक रिलेशनशिप और उस तरह से लिया गया और इससे पहले लता मंगेशकर जो है मरहुमा उन्होंने भी पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया बहुत बड़े लेजेंड क्लासिक गायक हुए हैं अब दुनिया में नहीं है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन तो हम जो हैं जब लता मंगेशकर की ट्रांसमिशन कर रहे थे उनकी डेथ पे तो ये बात की मैंने लाइव के लता पाकिस्तान की बहू बनना चाहती थी तो इसी तरह सानिया मिर्ज़ा सिर्फ़ शुयब मलिक से शादी नहीं हुई थी उस वक़्त एक माहौल ये बनाया गया कि वो पाकिस्तान की बहू बनी सानिया मिर्सा और ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला चलता रहा एक बेटा पैदा हुआ अजहान और फिर सानिया रफ़्ता रफ्ता अपने जो करियर है उसके अख्ताम की तरफ जा रही थी इसी तरह शुएब मलिक भी अपने क्रिकेटिंग करियर के अख्ताम की तरफ जा रहे थे फिर दोनों ने दुबई में जो है वो अपार्टमेंट लिया घर लिया और जब वो अपने टूर से फ्री होती थी वो दुबई आ जाती थी शुयब मलिक जो है जब टूर में गैप आता था वो दुबई चले जाते थे कम हुआ कि वो पाकिस्तान आई पी एस एल में एक एक दो मरतबा उनको देखा गया यहाँ पर ज़्यादा इनकी मुलाकातें फिर दुबई में रहीं और बहुत कम देखा गया कि शुएब मलिक भी इंडिया गए हाँ सियालकोट का जहाँ तक ताल्लुक है जो आबाई घर है शुएब मलिक का जहाँ उनकी पूरी फैमिली आज भी मुकीम है वहाँ सानिया मिर्ज़ा शादी के बाद दोबारा कभी विजिट उनका नहीं देखा गया पाकिस्तान में उस तरह से अब हुआ कुछ यूं के, जैसे मैंने पहले कहा कि ये आ, लव मैरिज एकदम नहीं होती परवरिश करता है वक्त करता है परवरिश बरसों ये काफी देर से मामलात जो हैं दोनों में बिगड़ना शुरू हो गए थे सानिया मिर्जा के जो करीबी हलके हैं आ, एक तो देखें जब फैमिलीज़ की बात करूं तो बड़ी एक मैं आ, आज आपको एक अपनी ऑब्जरवेशन आपसे शेयर करता हूं ये हैदराबाद की उर्दू और सियालकोट की पंजाबी जो है ना ये एक कॉम्बिनेशन था ये जो एक लैंग्वेज का बैरियर है और मिजाज का जो फ़र्क है दोनों ख़ानदानों में जो है ना वो आ, खलीज जो है वो रहा मिजाज का जो हमारे पंजाब का एक मिजाज है ज़रा खुला डुला और हैदराबाद और लखनऊ की एक जो उर्दू बोली है और वहाँ का जो मिजाज है और यहाँ तक के कराची की अगर हम बात करते हैं सिंध की बात करते हैं और पंजाब की बात होते हैं और पंजाब और सिंध के जो रिश्ते होते हैं कराची और लाहौर के जो एक लैंग्वेज का जो इशू है इसको एडजस्ट होने में काफ़ी वक्त लगता है तो ये वजह भी कुछ रही कि सानिया उस तरह से सियालकोट विज़िट नहीं करती रही और पाकिस्तान विजिट नहीं होता रहा अब जो है सानिया मिर्जा के करीबी हलकों से जो इतलात हमारे पास हैं कि सानिया के मुताबिक शुएब मलिक उनसे चीटिंग कर रहे थे काफ़ी अरसे से और कोई एक दो नहीं इससे ज़्यादा मरतबा सानिया मिर्ज़ा जो है वो शुएब मलिक को वार्न करती रही कि वो जो है चूंकि उन जब तक सानिया मिर्ज़ा उनकी ज़िंदगी में है उन्हें जो है वो एक नाक की सीट पे चलना चाहिए और जैसे हम बात करते हैं कि ताली दोनों हाथों से बचती हैं कि अगर वो उनके साथ लॉयल्टी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं तो शुयम मलिक जो हैं उनको भी इस बात को मलहूज ख़ातिर रखना चाहिए इस तरह के मामला होते रहे पहले एक मरतबा भी इनकी जो है अलहदगी तक बात कही फिर बीच बचाव करवाया कुछ लोगों ने कुछ करीबी दोस्तों ने कुछ ख़ास तौर पर शुब मलिक की फ़ैमिली ने आ, उसके बाद फिर दूसरी मरतबा तो डाइवोस की खबरें भी आईं मगर तरदीद दोनों की तरफ से आई लेकिन ना, मैं समझता हूँ कि दूसरी मरतबा जब इस तरह की सूरत बनी और इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि सानिया मिर्ज़ा और शुब मलिक में तलाक तक नौबत आ गई है तो उससे पहले ये एक निजी टीवी चैनल के साथ एक शो जो है वो दोनों साइन कर चुके थे मियाँ बीबी ने उस शो को होस्ट करना था द सानिया मिर्ज़ा मलिक शो या सानिया मलिक शो समथिंग उस शो की वजह से फिर दोनों ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि वो शो अभी ऑनिर होना था और अगर उससे पहले डाइवोर्स की या यादगी की खबर बाहर आती तो वो शो जो था आ, उसके लिए मसाइल बनते उसकी रेटिंग जो है उस तरह से नहीं आ पाती तो ये एक कंप्रोमाइजिंग स्टेटमेंट था जो दोनों ने दिया अब उसके बाद जो है आखिरी कील जो है वो इस अजदवाजी रिश्ते में आ, जो ठोंका गया वो कराची की अदाकारा हैं सना जावेद उनकी तरफ से आ, सना जावेद से जो है शुएब मलिक तकरीबन गुज़त तीन बरस से सना जावेद से उनकी मुलाकातें थी उस वक्त भी जब सना जावेद जो हैं 2020 में गुलकार व कंपोजर उमेर जसवाल के साथ रिश्ता अजदवाज में बन चुकी थी शोहर के होते हुए सना जावेद की एक गेम शो में शुएब मलिक से मुलाकात हुई और शुएब मलिक जो है वो फ़ुरन लतीफ़ा में बड़ा इन रहे मॉडलिंग भी करते रहे मुख्तलिफ़ एड्स भी किए और मुख्तलिफ़ गेम शोज़ में एंटरटेनमेंट शोज में आपको दिखाई देते रहे तो सना जावेद की ये मुलाकातें कंजेक्टिव मुलाकातें होने लगी उसी एक शो में पहले तो उसी एक शो में अक्सर और इसका मैं बैकग्राउंड भी बता दूं कि मेरे पास ये भी इतलात हैं कि जब शुएम मलिक से रबता किया जाता था कि आपने इस शो में आना है तो वो शर्त रखते थे कि आप सना जवेद को बुलाएंगे तो फिर मैं शो में आऊँगा